श्री प्रभु भगवत योगेंद्र स्वामी, महान अध्यात्म शास्त्र प्रमाण प्रकाश में आत्म प्रवाद पूर्व की अंदर से उद्घाटित किया गया है। समय साथ जैसा महान ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी ने 384 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया, उन्हीं के आधार को लेकर के परमात प्रकाश ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें परमात्मा का प्रकाश कैसे हो, परमात्मा को पुरुष मान करके वो परमात्मा प्रकट करना, ये पुरुषार्थ साध्य है। सत्य एकांत, सत्कार एकांत का उपशमन जहाँ होता है वह पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। सत्य कार्यवाद पूर्व से ही कार्य नियत है, यदि पूर्व से ही कार्य नियत है तो पुरुषार्थ का क्या स्थान है? पूर्व से ही कार्य नियत है तो कार द्रव मनादि स्यात्, कार द्रव्य मनादि स्यात्, प्राग भाव से प्राग भाव का अभाव कर देंगे को तो कार्य अनादि से हो जाएगा। वो कार्य अनादि से हो गया तो फिर घट ही कहलाएगा, घट ही कहलाएगा, मृतपिंड नहीं होगा, मृतपिंड नहीं होगा, मिट्टी के पिंड का वह हुए बिना घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब प्राग भाव पूर्व में वर्तमान की पर्याय का अभाव, पूर्व में वर्तमान की पर्याय का अभाव, तो पूर्व में वर्तमान की पर्याय का अभाव नहीं हुआ होता तो आज मेरा वर्तमान क्या होता? वो अनंतता को प्राप्त होगा। यदि प्रध्वंसा भाव का अभाव हो गया तो वस्तु अनंतपने को प्राप्त होगी, फिर कभी किसी की मृत्यु ही नहीं होगी, किसी का क्षय ही नहीं होगा। इसलिए प्राग भाव ने कहा वस्तु में कार्य होने की योग्यता है पर कार्य अनादि नहीं है, वस्तु में कार्य होने की योग्यता है पर कार्य अनादि नहीं है, वस्तु में कार्य को समाप्त होने की योग्यता भी है, कार्य अनंत नहीं है। आदि और अनंत, अनादि अनंत यदि हो गया, अनादि अनंत हो गया तो नित्य कूटस्थ हो जाएगा, अनादि अनंत हो गया तो नित्य कूटस्थ हो जाएगा, और नित्य कूटस्थ हो जाएगा तो क्रिया कारक का अभाव हो जाएगा, अर्थ क्रिया कारत्व का अभाव हो जाएगा। तो अर्थ क्रिया कारत्व का हो जाएगा वहां पर वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए मिट्टी में घट बनने की योग्यता है एक विषय, मिट्टी में घट है दूसरा विषय, मिट्टी में घट बनने की योग्यता है स्वीकार है, पर मिट्टी में घट है ये शब्द कहने में ही अच्छा लगेगा पर है नहीं है। मेरी आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखती है कि मेरी आत्मा परमात्मा है, कौन सही है? मेरी आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखती है कि मेरी आत्मा परमात्मा ही है, कौन सही है?
मेरी आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखती है कि मेरी आत्मा में परमात्मा अस्थिर रूप है। महात्मा जी दोनों ठीक नहीं है। प्रणव सागर जी, संसार की आत्मा, संसारी आत्मा परमात्म की शक्ति रूप है कि अस्थिर रूप है? जो संसारी आत्मा है वो शक्ति रूप परमात्मा है कि अस्थिर रूप परमात्मा है? हाँ, वो अपेक्षा बोलना जिससे अस्थि रूप है। हाँ, ये अस्थि रूप है। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से आप कथन कर रहे हो और नय से तुम कर्म निरपेक्ष कथन कर रहे हो। इसका मतलब ही ये कि आप कर्म को गौण करके देख रहे हो, अभाव करके नहीं देख रहे हो। परमात्मा जो होता है दोषी जी, जो कर्मों से रहित है वो सिद्ध परमात्मा है। एक भी कर्म नहीं है और सिद्ध परमात्मा हमारे सामने नहीं होगा, न साधना करते होगा न उपासना करते होगा। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, जो भगवान होगा वो साधक नहीं होगा, आराधक भी नहीं होगा। जो भगवान होगा वो साधक भी नहीं होगा, आराधक भी नहीं होगा। परमात्मा साधक नहीं होता, परमात्मा आराधक नहीं होता है, परमात्मा साध होता है। सुनिए पुणे, सिद्ध परमात्मा साधक है कि आराधक? न साधक है न आराधक है। साधक आप श्रवण हो, आप क्या हो? साधक हो। ये श्रावक आराधक है, ये आराधना कर रहे पंच परमेश की। आप पंच परमेश की साधना कर रहे हो, परंतु जो परमात्मा है वो किसी की आराधना भी नहीं करता, साधना भी नहीं करता है। आराधना साधना का फल परमात्मा है। आज वही व्याख्या है, मैं परमात्मा हूं। बहुत अच्छी बात, आप परमात्मा हो। मैं परमात्मा हूं, हे ज्ञानी, मैं परमात्मा हूं, ये द्रव्य दृष्टि का चिंतन है। मैं परमात्मा हूं ये प्रशस्त अध्यवसाय भाव है। मैं परमात्मा हूं अपनी शक्ति का बोध है। मैं परमात्मा हूं अपनी विकारी भावों से भिन्नत्व का वेदन है। अविकारी हूं परमात् स्वरूपोऽहम्, परमात् स्वरूपोऽहम्, विकारी रहितोऽहम्, परमात् स्वरूपोऽहम्। जो ऐसा हम कथन कर रहे हैं द्रव्यानुयोग से, द्रव्यानुयोग से आत्प्रभात पूर्व से आत्मा की अपूर्व दशा का आप ध्यान कर रहे हो। आत्मा की अपूर्व दशा का आप ध्यान कर रहे हो। मैं परमात्मा हूं, तो मैं परमात्मा हूं कैसे देख रहा है? कर्म निरपेक्ष देख रहा है। यदि मैं परमात्मा हूं यदि देख रहा है, तो समय सार की दृष्टि से, आत्प्रभातपुर की दृष्टि से, तो वह साधक देखता है। शैवाल आच्छादित है, आंखों से तालाब में सरोवर में काई दिख रही है, पर ध्याता देख रहा है काई के नीचे। काई के नीचे पानी स्वच्छ है। ऐसे ही मैं कर्मों से आच्छादित हूं। इस क्रम द्रविक्रम भाव क्रम नो क्रम काय युग के अंदर निष्कषाई भगवान आत्मा है। ऐसा अपने स्वरूप को देख रहा है, तब तो वो कहता है ना
कृष्णम शुक्लम हीनम दीनम चिदानंदिरूपम नमो वीतरागम। न मैं कृष्ण हूं, न मैं शुक्ल हूं, न हीन हूं, न दीन हूं, मैं चिदानंदमयी चैतन्य भगवान आत्मा। ऐसा ज्ञाता जान रहा है तो उसके सामने कोई संबंध नहीं होंगे, कोई भेद नहीं होगा, कोई देह नहीं होगी। अश्री भगवान आत्मा को भी देगा भावांतर दे, पर भावों से अपने को अत्यंत भिन्न भेद रहा है। इस साधक की आध्यात्मिक साधना है, इस साधक की आध्यात्मिक साधना है, इस साधनी है। ऐसा श्रमण आहार निश दिन रात जब चिंतन करेगा तब कहीं जीव शुद्ध उपयोग का आश्रय प्राप्त कर सकेगा। मल रहियो नाणमयो निवसी जारसियो शुद्धो तारसियो देयत्तो परमो बम्बो मुड़ियब्बा। मल से रहित ज्ञानमयी जैसा परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजता है वैसा देह देवालय में विराजा है वो मेरा शंभु है परमात्मा। ये जो चिंतन चल रहा है सिद्ध स्वभाव का चिंतन सिद्ध स्वभावी संसारी जीव कर रहा है। ये चिंतन चल रहा है सिद्ध स्वभाव का, सिद्ध स्वभाव का चिंतन संसारी साधक जीव कर रहा है। जो सिद्ध हो चुका है उसके चित्त का ही अभाव है, चिंतन का ही अभाव है। वहां कोई चित्त नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, चित्त ब्रह्म है। चित्त चित्त चिंतन चित ब्रह्म इन तीन में भेद कीजिए आप चक्रेश, भेद ही नहीं करना है ही भेद। पुनः सुनो, चित्त चिंतन चित ब्रह्म, चित्त है वह चिंतन है, चित्त चिंतन यहां है वो संसार है, चित ब्रह्म मात्र अवशेष है असली सिद्ध परमात्मा है। जब तक संसार है तब तक चित्त है, तब तक ही चिंतन है। संसार शून्य हो गया है, चित ब्रह्म है, चित ब्रह्म है। जो भी आपकी साधना चल रही है चित्त से चिंतन चल रहा है चित ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। चित ब्रह्म चाहिए है तो ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाइए, ब्रह्म स्वरूप में लीन होना चाहिए सर्वार सागर। बचन जल्प जब तक रहेंगे प्रणु सागर जी तब तक तीन काल में साधक चित्त को स्थिर नहीं कर सकते। चित्त को शांत करना है तो सर्वप्रथम साधना होगी वचनालाप का प्रतिख्यान। जो वचनों का प्रतिख्यान करेगा वो चित्त को शांत कर पाएगा। जिसके वचन प्रवृत्ति प्रचंड है उनके चित्त शांत नहीं रह सकते। इसलिए सर्वप्रथम साधक को अपने वचनों पर नियंत्रण करना चाहिए, मौन। बहुत बोलने की आदत जिसकी हो चुकी है भी बातें तो कर सकती है अच्छी से लेकिन रमण नहीं कर सकती निज में। वचन श्वास का योग जितना स्थिर होगा
उतना साधक चित ब्रह्म की ओर जाएगा। फिर मैं बेटा जितनी विद्याएं जीव ने सीख के रखी है लोक की, भी सारी विद्याएं अविद्याएं हो जाएंगी। छंद, व्याकरण, अलंकार, गणित, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, भाषा, विद्यता, ये अध्यात्म विद्या के आगे कुछ भी नहीं है। ये प्रभाव है, प्रभाव है। जो ज्ञायक का ज्ञान है, ज्ञायक का ज्ञान है, ज्ञायक का ज्ञान, वो मात्र ज्ञान मात्र। चैतन्य भगवान आत्मा की कोई भाषा नहीं है। व्यवहार अर्थ को समझने के लिए, व्यवहार आगम को समझने के लिए, शब्द ब्रह्म को समझने के लिए चक्रेश भाषा का प्रयोग है। शब्द ब्रह्म को समझने के लिए भाषा का प्रयोग है, चित ब्रह्म समझने के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं। चित ब्रह्म की उपलब्धि भूलना भाषा से नहीं होगी, भावों की विशुद्धि से होगी। चित ब्रह्म पर जिसका लक्ष्य है वो बरसों तक भाषा पर अपनी बुद्धि नहीं पटकेगा, अपने भावों की विशुद्धि का पुरुषार्थ करेगा। बहुभाषी होकर के अहंकारी भी हो सकते हो। बहुज्ञाता बहुभाषी होकर के भी अहंकारी न हो, ये उसके जीवन का चमत्कार है। ज्ञानियों, पूर्व पुण्य के नियोग से दोस्त जी बहुत संपत्ति मिल जाए, पूर्व पुण्य के नियोग से कोई साधु को बहुत ज्ञान हो जाए, पूर्व पुण्य के नियोग से बहुत यश फैल जाए, इन यशवानों को, ज्ञानवानों को, धनवानों को एक स्थान पर तटस्थ बैठ जाना चाहिए और ये निहारना चाहिए कोई पुण्य का द्रव्य है, कमाने से इतना मिल नहीं सकता, कमाते तो बहुत लोग हैं, उस द्रव्य के स्फुटित होने से, पुण्य के द्रव्य के स्फुटित होने से सब संपत्ति चली आ रही है। कोई पुण्य का नियोग है, ज्ञान प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, सबके सामने वही शास्त्र है, कोई अलग नहीं है, फिर भी ज्ञानी नहीं हो पा रहा, कोई अलग शक्ति है। हर व्यक्ति चाहता है कि विश्व में जहां कुछ हो मेरा ही नाम लिखा मिले। यदि चाहने से सारी वस्तुएं प्राप्त होती होती, आज देश में नहीं विश्व में कोई गली को स्वच्छ करने वाला आदमी नहीं मिलता, और नगर के नगर गंदे पड़े मिलते। पर प्रकृति कह रही है बेटे ये चाह का मार्ग नहीं है, ये चाहे का मार्ग नहीं है, चाहे का मार्ग नहीं है, ये पुण्य द्रव्य के विपाक का मार्ग है। विपाको न भवा, जो तुम बंद करके आए हो वो उदय में आएगा। इसलिए मुस्कुरा के जियो, विपत्ति भी आना तो मुस्कुरा के जियो, संपत्ति आए तो मुस्कुरा के जियो। श्रेष्ठ साधना, आनंदमय साधना है कि हम सबको जानना सीखे, देखना सीखे, और फिर कहना राकेश देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। ये सूत्र घर घर में लिखा रहना चाहिए, देखो जानो जाने दो, आत्म शांति यही सूत्र देगा। समय निकल जाता है, समय निकल जाता है, वो तुम्हारी इंतजारी नहीं करता है। आज तक किसी समय ने किसी की इंतजारी नहीं की। राम हुए, श्याम हुए, वर्धमान हुए, ऋषभ देव हुए, अनंत अनंत चौबीस हो चुके हैं, सबके दिन एक से नहीं निकले। महापुण्यात्मा जी भी कष्ट में जिया है,
वो अब अल्प पुण्यात्मा भी सरलता में निकल गया। कष्ट कोई दुख देने के लिए नहीं आते, कष्ट यश दिलाने के लिए आते हैं। उपसर्ग दुख देने के लिए नहीं आते। जिनको भेद विज्ञान नहीं है उनको कष्ट दुख देने के लिए आते हैं, जिनको भेद विज्ञान है उन्हें कष्ट दुख देने नहीं आते हैं, उन्हें यश दिलाने आते हैं। पारसनाथ स्वामी पर उपसर्ग हुआ, आज मंदिर मंदिर में पारसनाथ की प्रतिमाएं रखी विराजमान, उनको तो यश मिला। इसलिए विपत्ति के काल में, संकटों के काल में रोने की अपेक्षा जो कष्ट आया है वो तो समय पर जाएगा, चाहे तुम रो के निकालो चाहे मुस्कुरा के निकालो। समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। वेदना पर वेदन करो, व्यथित मत हो। ज्ञानी जन वेदना को वेदन करते हैं, व्यथित नहीं होते हैं, वो अज्ञानी वेदना पर व्यथित होते हैं। स्वास्थ्य साधुओं का भी बिगड़ता है, ग्रस्तों का भी बिगड़ता है, मृत्यु साधुओं की भी होती है, ग्रस्तों की भी होती है। एक का मरण हो जाता है, एक का समाधि मरण हो जाता है। जो वेदना को व्यथित होके झेलते हैं उनका मरण हो जाता है, जो वेदना को वेद वेदक भाव से देखते हैं उनका समाधि मरण हो जाता है। संपूर्ण शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुराणों का सार साम्य भाव, संपूर्ण वेदों का, पुराणों का सार साम्य भाव। इसलिए ज्ञान मिला अहंकार नहीं, ध्यान मिला है अहंकार नहीं, संपत्ति मिली है अहंकार नहीं, यश मिला है अहंकार नहीं। ये तीनों पुण्य प्रगतियों का काम है। ज्ञाता जो हमारा भगवान आत्मा है वो इन सब से भिन्न है। अपने सामने जिन जिन की मृत्यु हो ना उनके द्वारे जरूर जाया करो ग्रस्त लोग। दुनिया ये देखे कि भैया बैठने आए दो सीधी, उसके दरवाजे पर हम बैठने नहीं गए, हम देखने गए हैं क्या क्या लेके गया साथ। कोई बहुत बड़ा अरबपति खरबपति कंपनी वाला आदमी मर जाए उसके द्वारे जरूर जाना। तो लोग ये सोचे कि भाई बड़े आदमी के द्वारे बैठने आए हैं वो ठीक है, तुम ऐसे ही समझो। हम देख बैठने नहीं आए, यथार्थ हम देखने आए हैं कि ये हमारे सामने कितनी हयाई करता था व्यक्ति, और कितना चिल्लाता था, कितना नौकरों को डांटता था, कितना बेईमानी से कमाता था, बेचारे का सब यहाँ रखा रह गया। जब इसके साथ ही हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए अब संपत्ति के साथ नहीं जीऊंगा, अब समता के साथ जीऊंगा। मालूम सुब्रत सागरी, आचार्य बिमल सागर महाराज जी एक बार अपने नगर गए, गृह नगर टुंडला के पास कोसम्मा उनका नगर है, वहां उनका जन्म हुआ था। उस गांव में एक ही जैन का घर था। संस्कार कैसे प्रकट होते हैं, छोटी सी बात सुनो। उस गांव में कोई मंदिर नहीं था, तो इनकी मां जब बहू बन के आती है उसका दर्शन करने का नियम था। पहले के शिल्पकार बैलगाड़ी पे प्रतिमा लेकर के गांव गांव घूमते थे, कोई ले ले। अब वहां से शिल्पकार निकलता है,
तो उसमें उनकी इतनी योग्यता नहीं, उतनी नौछा रास देश के, पर गांव से गाड़ी निकल रही थी, वो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। वो बहू आई है, उसको भोजन कराना, बिना दर्शन के भोजन नहीं करती। उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ बिठा करके वो मूर्ति ले ली और स्वयं ही प्रतिष्ठित कर लिया और अपनी बहू को भगवान के दर्शन कराए, फिर भोजन कराया। एक बार आचार्य बिमल सागर महाराज जी उस गांव में पहुंचे अपने चतुर्वेद संघ को लेकर के, तो गांव के लोग, भाई गांव का बालक आज इतना बड़ा आचार्य बन के आया है। पर कुछ लोग जब देख रहे थे इतने मुर्झा, वो भैया पूरा नाव गंगा गांव नंगा हो गया, नाव गांव नंगा हो गया, ऐसे लोग चिल्ला रहे। सुना जहां पर भाई चक्रेश आचार्य विमल सागर बैठ जाए ना, छोटे से गांव में, वहां मेला लगता था। दिन का 1 बजा की मेला शुरू, इतने दुखिया लोग उनके पास आते थे, लेकिन इतना विशाल संघ कहाँ गया? आचार्य महाराज की समाधि होते ही पुण्यात्मा के साथ सारा पुण्य चला गया। शिष्य अथवा पुत्र गुरु अथवा पिता के सामने अहंकार में न डूबे बेटा, तुम उनके सामने रह करके जी लो कितना आनंद जी रहे हो, आपका जीवन उतना ही चलेगा जो तुम पुण्य लेके आए हो। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका इतना वजन होता प्रभाव कि पूरे समाज, गांव का गांव, नगर का नगर, देश का देश नाम लेता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ उनके बेटों को सहन करना पड़ेगी। अब तुम इतनी यशवान गुरु के शिष्य हो, यशवान पिता के पुत्र हो, वैसा यदि तुम नहीं कमा पाए उनके जाने के बाद, कोई दूसरा यशवान होगा, आपको उनके नीचे बैठना पड़ेगा, तब तुम रोगे हम किसके बेटे थे, हम किसके शिष्य थे। इसलिए अपना विवेक, अपना पुण्य, अपनी योग्यता स्वयं जागृत करना चाहिए। सुखी योग्यता जागृत नहीं कर पाओगे तो भविष्य आपका क्लेश में होगा, यदि वैराग्य नहीं हुआ तो। वैराग्य है तो कोई क्लेश नहीं, सहज है। शांत हूं आप सब लोग, आज सब सामान्य है। भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने, गर्दन परमेश्वरों ने, वृषभ सेन से लेकर गौतम स्वामी पर्यंत, भद्रभाव स्वामी जैसे आचार्यों ने जो उपदेश दिया है वो मित्र यही दिया है, एक ब्राह्मण पुत्र होकर के जैनियों का अंतिम श्रुत केवल हुआ भद्रभाव स्वामी। एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी भगवान महावीर स्वामी प्रधान शिष्य गौतम स्वामी, किस जीव की कहां योग्यता है। फिर वहां जाति की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। क्या सभी तीर्थंकर आपकी जाति के थे? नहीं, इच्छाकु वंश, कुरु वंश, यदु वंश, नाथ वंश, कुरु वंश, ओहो यदु वंश, इन वंशों में हुए तीर्थंकर। उग्र वंश क्या? ये सबके सब वंश, क्षत्रिय वंश, इनमें हुए तीर्थंकर भगवंत।
क्या आप जाति से देखोगे तो तुम महावीर स्वामी को नमस्कार नहीं कर पाओगे, नमस्कार नहीं करोगे, प्रणाम नहीं करोगे, नहीं माथा टेक पाओगे आप। तब श्रवण संस्कृति कहती है न जात पूज्य है न वंश पूज्य है, पूज्य है गुणेश गुरु बंदी तदगुण लब्धि, बंदी तदगुण लब्धि, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूं। मोक्ष मार्गस्य नीतारम भीतारम करम भूव्रताम ज्ञातारम विस्तत्वनम बंदी तदगुण लब्धि। ये उमा स्वामी महाराज ने आपको तत्वा सूत्र में मंगलाचरण दे दिया है, ठीक है। भूयांकुर्जनः क्षेमपगता यस्सः ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। भवां भवबीजांकुर्जनः, भव रूपी बीज के अंकुर को जिसने नष्ट कर दिया है वो नाम से ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो वा जिनो वा, चाहे ब्रह्मा नाम हो, विष्णु नाम हो, हर हो, हरि हो, चाहे जिन हो, जिसने भव बीज का नाश किया है, अठारह दोषों से रहित है, वो हमारा परमात्मा है। नाम 1800 नाम हो सकते हैं लेकिन लक्षण ये होना चाहिए ज्ञानियों। इसलिए यहां पर आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं श्रवण तस्य मोक्ष अनंत चतुष्टित्व रूपम फलम दृष्टि, जो मोक्ष है अनंत चतुष्ट रूप सुख से युक्त है वो मोक्ष है, उसके फल को कह रहे हैं अनंत चतुष्ट की उपलब्धि ही मोक्ष पुरुषार्थ का फल है, वो प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों पल पल में क्षण क्षण में पक्ष का धर्म, महात्मा यशोधर सागर इधर देखो, पक्ष का धर्म और स्वभाव का धर्म भिन्न है। पक्ष का धर्म कोई नैयायिक है, वैशेषिक है, चार्वाक है, मीमांसक है, बौद्ध जैन है, अनेक पक्ष है लोगों के, फिर अलग अलग परंपराओं में अलग अलग परंपराएं बटी रखी हुई है, हर संप्रदाय के 10-10, 15-15 ग्रुप है, इन सबको शून्य करके पक्ष का धर्म स्वभाव का धर्म। पक्ष का धर्म तुम 13 पंथी हो सकते, 20 पंथी हो सकते, स्थानक हो सकते, मंदिर मार्ग हो सकते, पक्ष का धर्म भिन्न है। स्वभाव का धर्म ज्ञान दर्शन मेरी आत्मा का धर्म है, ज्ञान दर्शन मेरी आत्मा का धर्म है। पक्ष के धर्म, पंथ के धर्म, संप्रदाय के धर्म हम सब हटने वाले हैं, ये एक भी धर्म मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो ज्ञान दर्शन है, ज्ञायिक स्वभाव है, वही चित ब्रह्म स्वभाव है, उसे जो जान लेता है ना वो तटस्थ हो जाता है, शांत। क्यों? हमने जान लिया है कि ज्ञायिक भाव ही मेरा सत्यार्थ धर्म है। परंपराएं घर घर की हो सकती हैं, स्वभाव घट घट का है। किस बात की चीख चक्रेश, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा। लोक में जो भी छोटा बड़ा हो रहा है वो स्वभाव धर्म से नहीं है, विभाव धर्म से है। लोक में जो भी छोटा बड़ा हो रहा है, एक एक शब्द सुनिए, जो भी छोटा बड़ा हो रहा है वो स्वभाव से थोड़ी है, विभाव से है। ओह क्या रहस्य,
कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई जैन है, कोई शूद्र है, ये जीव द्रव्य को देखिए आप, जो जाति उपजाति हमने भेद करके देख रहे हैं, ये तो कर्म सापेक्ष है, समाज व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है, पुण्य धर्म व्यवस्था है। स्वभाव धर्म से देखेंगे तो मुझे निगोदिया में भी भगवान दिखाई देते हैं। एक सच्चा जैनी एक वृक्ष की टहनी तोड़ने का मन नहीं करता उसका, एक सच्चा जैनी दांत साफ करने के लिए यदि बमूल की ईम और नीम की लकड़ी भी तोड़ने को खड़ा होगा, एक बार सोचता है कि ओ इसके अंदर भी तो भगवान है। एक इंद्रिय जीव है बिल्कुल सत्य, जो वस्तु दोषी जी पुण्य से प्राप्त है उसे भोगना क्या अनिवार्य है? बहुत बढ़िया, यही साधना है। जो वस्तु पुण्य से प्राप्त है उसे भोगना अनिवार्य नहीं है, पुण्य से प्राप्त हो जाने पर भी जो त्याग कर देता है उसका नाम त्यागी है। चक्रवर्ती को मालूम एक नहीं दो नहीं आकाश 96,000 स्त्रियां मिलती है, 96,000 उस 96,000 नारियों से मुख मोड़ करके निकल जाए, लोग मालूम बेटा अभी तुम जाओ कलेक्ट्रेट में जाओ, कोई अन्य ऑफिसों में जाओ, जाओ आप रायपुर में चले, राजधानी है, ऑफिसों के सामने कचहरियों में लाइन लगी होगी, कोई केस बनवा रहे हैं तो कोई चपरासी बनना चाह रहे हैं, कोई कुछ बनना चाह रहे हैं, बेचारे भीड़ लगी, बोले कोई सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए, आ नौकरी मिल जाए, नौकर बनने के लिए हाथ जोड़ फिर रहे, मालूम नौकर बनने के लिए हाथ जोड़ते पड़ रहे हैं, किसके पीछे? कुछ धन मिल जाएगा धनु जीव को, जिसकी यहां 18 करोड़ घोड़े हो, 84 लाख हाथी हो, 6 खंड पर जिसका स्वामित्व हो, ऐसा चक्रवर्ती जीर्ण तृण के समान विभूति को छोड़ करके निकल जाता है और जाकर दीक्षा ले रहता है। इसका नाम है कठोर वैराग। अरबों खरबों की संपत्ति यो छोड़ के ये निकल गया जीव। तुम क्या सोच रहे हो पीयूष भाई, मेरा चैनल कौन देखेगा? मित्र बोले साइकिल कौन चलाएगा? अरे भाई समझ पीयूष, लक्की पैलेस कौन देखेगा? अरे बाल को समझो मैं क्या करूं बेटा, समझ में क्या कर रहा हूं? संयम और स्वात्म धर्म के पीछे ये कुछ भी नहीं है। जिसका बैराग प्रचंड है, उत्साह शक्ति प्रचंड है, ऐसे से उत्साह शक्ति भरेगी। आशी भाई को अपनी दुकान के लड्डू दिखते पेड़े, अरे बेटा एक दुकान के और एक माँ के पेड़े क्या तू साधु बन के निकलेगा? हर माँ नगर में तेरे पेड़े देगी, पर पेड़े खाने के लिए साधु मत बनना। कभी पानी पिलाने वाले भी नहीं मिलेंगे और कभी इतने पेड़े देंगे तुम खा भी नहीं पाओगे। उसमें सोचना हार्दिक भाई कि मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग क्या है? इसलिए क्लेश का वेदन करके साधना का मार्ग चुनना बिल्कुल अशुभ है। आनंद के साथ आनंद का मार्ग चुनना प्रशस्त भद्र, ऐसा पुण्य कमाओ, ऐसा पुण्य कमाओ कि साधना के चित्त में आते हुए साता का उदय रहे,
उस साता के उदय में आप निर्मोर हो, साता के उदय में निर्मोर हो, ऐसा पुण्य कमाओ जिससे कि साधना साता के साथ होगी, अंतिम समाधि भी साता के साथ होगी, तो मित्र हाय हाय बिलखना नहीं पड़ेगा और आपकी निज की आत्मा कल्याण हो जाएगा और जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी। वो हेतु क्या बनता है सुब्रत साकर जी, मोक्ष मार्ग पर आने के पहले से ही हर जीव को जीव जैसा देखो, कसाई मत बनो, कसाई मत बनो, कसाई मत बनो। मैं बार बार समझाता हूं, हर व्यक्ति को समझाता हूं, किसी से भूल भी हो जाए उसकी योग्यता पर छोड़ दीजिए आप, पर कसाई बन करके अपने चारित्र मुनि का आश्रम मत कर लीजिए। अंतिम निर्णय मालूम चक्रेश क्या होगा, अंतिम निर्णय है कि साधक जगत का संपूर्ण ठेके का त्याग करके मात्र आत्मविशुद्धि का ही ठेका लेगा। और जिन्होंने निर्णय कर लिया हम पूर्ण संपूर्ण जैन शासन के ठेकेदार हैं, संपूर्ण जैन समाज के विश्व के ठेकेदार हैं, विश्वास रखिए तुम एक मिनट भी अपने आप में विशुद्धि में नहीं जी पाओगे। तीर्थंकर जैसा जीवन जियो ना आप लोग, पीयूष तीर्थंकर जैसा जीवन जियो ना। बोले कैसे, एक भी लोक के कर्ता नहीं बनते, एक भी लोक के कर्ता नहीं बनते और तीन लोक के नाथ कहलाते। मालूम तीन लोक के प्रभु कहलाते, तीन लोक के प्रभु, और एक लोक में क्या एक ब्लस्त भूमि के कर्ता नहीं कहलाते अपने आप को, निर्लिप्त पूरे सरोवर को सुगंध दे रहा, महक रहा, सरोवर की शोभा बढ़ा रहा है, पूरे सरोवर की शोभा बढ़ा रहा है पीयूष, पूरे सरोवर की शोभा बढ़ा रहा है, पर कमल का पुष्प सरोवर से ऊपर है, सरोवर की शोभा बढ़ा रहा है वो सरोवर से ऊपर है। ऐसी दुनिया तुमसे शोभायमान हो, तुम दुनिया से दूर रहो। आज आप रायपुर आए, रायपुर की अखंड संपूर्ण समाज, अखंड जैन समाज मुस्कुरा रही है, बोले हमारे नगर में गुरु महाराज पता रहे हैं, बेमुस्कुराए और तुम उदास होके जियो। ये मोक्ष मार्ग है, उदास होके जी, उदास का मतलब रो रो के नहीं जीना, उदास का मतलब लोगों ने यही समझ लिया, बोले चेहरा बना के बैठना ये उदास है। अरे चेहरा बना के बैठना उदास नहीं है, तो अभागे लोग पुण्यशील लोग हैं। उदास का मतलब है विषय कषाय से विरक्त, इसका नाम है उदास। नहीं तो लोगों ने उदासीन आश्रम बना लिए, उसमें रहने वाले के चेहरे उदासीन हो जाते हैं, जगह जगह बने उदासीन आश्रम और उनमें रहने वाले सब उदासीन। अरे उदासीनता का मतलब समझो पापों से उदास होना, कसायों से उदास रहना, परपंच से उदास रहना, परिग्रह से उदास रहना, ये उदास का अर्थ है। नहीं तो बज्ज कुमार जी उदासीन आश्रम में चले गए, भैया अब बोले कहाँ हो उदासीन आश्रम में, तो मुस्कुराओ नहीं भैया उदासीन आश्रम में कैसे मुस्कुरा सकते। नहीं भाई ऐसे आश्रम भी मन बना मत लेना आप आश्रमों में रहने का, जहां पर मूंग की दाल देख करके तुम्हें रोना आ जाए ऐसे आश्रम में प्रवेश मत कर लेना, जहां निज आत्मा के दर्शन देख के आनंद आए वहां प्रवेश करना। दंश नाड़ी अनंत सुहु समूण तुट्टी जांसु सुपर सासो मोख पलू बिजो अत्नतासु। या मोच का
फल है उस किस रूप की व्याख्या कर रहे हैं। अनंत तस्रूप फलम दृश्यति दंशनु नाणु अनंत शुहु अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख संयम ने तुट दिया। अब कितने समय निकल जाए मालूम, इस दुहा सूत्र में मतार्थ भी कह दिया, जब जब हो धर्म की हानि असुर बढ़े असुर नीच अभिमानी, जो ये लिख के रखा गया, जब धर्म की हानि होने लग जाए असुरों की वृद्धि होने लग जाए तो परमात्मा आकर के लौट के मृत्यु लोक में आता है, ऐसा जो कह रहे थे उनको समझा रहे हैं। आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। काले कल्प सत्य बच्च गति शिवानाम च विक्रिया उत्पाद करण पटो, तो मतलब समझिए, काले कल्प सत्य पिच गति शिवानाम न च विक्रिया उत्पाद 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 क्या बोल रहा भाई, उत्पाद समझ, उत्पातोपि स्यात् कर्णपटु न विक्रिया लच्छन्ति। मालूम त्रिलोक संभ्रांति, तीन लोक में क्षोभ हो जाए तब भी सौ सौ कल व्यतीत हो जाए, तीन लोक में क्षोभ हो जाए तब भी गति शिवानंद च विक्रिया लच्छते, जो शिवत्व को प्राप्त कर चुके मोक्ष जा चुके हैं वे पुनः संसार में लौट के नहीं आएंगे। अब मेरी माता है मालूम, डोसी जी भजन गाने लगी आजकल, बाकलीवाल जी ओह चले आना ऐ वीर बन के महावीर बन के चले आना, हे माताओं अपनी भक्ति को अपने घर के झोली में रखो, लेकिन तुम्हारी भक्ति के राग में मेरे भगवान सिद्धालय से लौट के नहीं आएंगे। आएंगे ओह भगवान लौट के नहीं आएंगे, ये यहां पर लिख रहे हैं। जो जीव एक बार सिद्ध हो चुका है वो पुनः संसार में लौट के कभी नहीं आएगा। न टूट दू जासु जिनका सुख कभी टूटता नहीं है, आप तो चक्रे सोच रहे थे बहुत सुख मिलेगा बहुत सुख मिलेगा, सब सुख छूट गया टूट गया, क्या हुआ टूट गया टूट गया। इसलिए ज्ञानी पर ध्येयों में नहीं सुख, पर ध्येयों में नहीं सुख, पर गेयों में नहीं सुख और पर की बुद्धि में नहीं सुख, पर बुद्धि दुख कारणी, पर बुद्धि दुख कारणी। देखो ज्ञानियों जितने यहां बैठे हुए हैं विषय को सूत्र को नोट कर लेना, जीवन के अंतिम श्वास तक ध्यान रखना, पर बुद्धि दुख कारणी, जो पर की बुद्धि से जिएंगे वे दुख को नियम से प्राप्त करेंगे। गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि चलोगे तो जीवन विशेषता आएगी और सुख बुद्धि से जियोगे तो सुख मिलेगा। तो यहां पर बुद्धि यानी भिन्न लोगों की बुद्धि व्यवहार से, यानी पर बुद्धि दुख कारणी, अपनी योग्यता को देख के निर्णय करना सीखो, पर की योग्यताओं से अपना जीवन का निर्णय लेना कभी मत सीख ले। कोई पुण्यात्मा जीव है उसने जो निर्णय किया उसका सफल हो गया, तुम्हारा पुण्य तो है नहीं है किंचित मात भी, और निर्णय कर ले तुम पुण्यात्मा की भांति तुम पीछे गिरे ही मिलोगे। इसलिए सुनो ज्ञानी न टूटी जासु जिसका सुख टूटता नहीं है, सो परम सासु सो मोक्षम फलु वही परम शाश्वत मोक्ष फल द्वितीयम अस्ति न तस्स, उस मोक्ष के आगे संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। इसलिए केवल दर्शनम केवल ज्ञानम अनंत सुखम एतत् उपलक्षणम मात अनंत वीर्य अनंत गुणः, इस प्रकार से
अनंत ज्ञान केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और उपलक्षण, उपलक्षण मात्र, अनंत वीर्य, अनंत गुणों से युक्त एतद गुण कदम्बक मेघ में पियावन न त्रुति। ऐसे गुणों से युक्त, ऐसे अनंत तुष्ट को जिन्होंने प्राप्त किया है, वह अनंत तुष्ट का अनंत सुख एक समय प्रमाण काल को भी नहीं छूटता। अब सिद्ध भगवान के ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा कि भगवान को एक समय को भी दुख छूट, सुख छूट जाए। सामान्य जीवों का सुख होता है, कितनी पुण्यात्मा जीव होगा तब भी बीच में कहीं ना कहीं ऐसा उपक्रम हो ही जाता, सुनील कहो, घर में भी संवाद हो जाए, संपत्ति का क्षय हो जाए, कहीं इष्ट का वियोग हो जाए, कहीं शत्रु अधिकार कर ले, कहीं राजा का भय सताए, लेकिन सिद्धों के पास एक कोई भी डर नहीं है। तब पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, मूलम संसार दुख सदे आधिस्था, मुख्यम संसार दुख से देह आधिस्थ था। संसार में दुख का मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। संसार में दुख का मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि। जो शरीर को अपना मान के बैठा है उसे दुखी होना ही है। समाधि तंत्र ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, संसार मूलम दुख से दे आधिस्ता, संसार में दुख का मूल देह में आत्मबुद्धि। स्व की देह में आत्मबुद्धि और पर की देह में आत्मबुद्धि। बहुत जिसको आप लोग बोलते निष्ठुर, उस निष्ठुर का प्रयोग तब होता है जब कोई कसाई किसी को मारने खड़ा हो, वो निष्ठुर जैसी निवृत्ति जिसके पास हो उसका नाम होता है वृत्ति। अब चाहे जननी हो, चाहे जनक हो, भाई हो, भगनी हो, धन हो, धरती हो, सबसे तटस्थ परम सुख, परम सुख, मुस्कुराहट कभी तुम्हारी मिट नहीं सकती तन में। कब, जैसा बिनी मैं कह रहा हूं ना, मुस्कुराहट मिट नहीं सकती जीव की। ठीक है, तुम आए हो, ठीक, जा रहे हो, ठीक ठीक है, पर जिनकी भाषा ही होती प्रवचन तो उत्कृष्ट ही होता है। अरे उत्कृष्ट प्रवचन के अनुसार जो जीता है वही उत्कृष्ट पद को प्राप्त होता है। जो उत्कृष्ट प्रवचन के अनुसार नहीं जी पाएगा वे उत्कृष्ट पद को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उत्कृष्ट पढ़ चाहिए तो उत्कृष्ट जीवन जीना पड़ेगा, फिर एक ग्रंथों में लिखे प्रवचन नहीं पढ़े जाएंगे, तुम्हारा जीवन ही प्रवचन होगा। तब गौतम स्वामी दोस्त जी, गौतम स्वामी प्रतिकरण सूत्र में लिखते, प्रतिकरण सूत्र में लिखते गौतम स्वामी, ऋग्गंथे पवड़म, ये नृगंत मुनि लिंग ही प्रवचन है, इसे देख करके मुझे वैराग होता है। ऋग्गंथे पवड़म निर्गंत ही प्रवचन, ऐसा कहां लिखा, प्रतिकरण सूत्र में लिखा, प्रतिकरण में लिखा हुआ निर्गंत ही पवड़म, निर्गंत ही प्रवचन है। इसलिए बाल को ऐसी भावना भाव, ऐसी भावना बनाओ, मालूम छोटे छोटे बच्चे छात्र, आपको लगते बच्चे केजी में पढ़ने जा रहे हैं, उनका निर्णय हो चुका जीवन के अंत समय का, भी निर्णय कर बैठते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो कोई कह रहा मुझे तो विमान उड़ाना है, तो कोई कहता मुझे ये बनना है। उन बच्चों का निर्णय तो देखो, उन्हें डॉक्टर बनना है, अभी कुछ नहीं है, मात्र केजी बन में पढ़ने गए हैं वे बच्चे। एक बालक आया सुब्रत सागरी, वो मेरे से पूछ रहा, गुरुजी होगा पहली दूसरी क्लास में पढ़ रहा होगा, बोले गुरुजी आपको क्या बनना था, वो मेरे से पूछ रहा था अभी तीन दिन पहले, गुरु जी आपको क्या बनना था छोटे में। तो मैंने कहा बेटा सही बताऊ ना, मुझे तो महाराज ही बनना था। फिर मैंने उससे पूछा तुझे क्या बनना है, वो बोला मुझे साइंटिस्ट बनना है। वाह, दो दूसरी पहली क्लास में पढ़ रहा बच्चा
वो कह रहा मुझे साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा भाई देख, अभी तू जमीन से उठ नहीं पाया और तेरा निर्णय हो चुका है। ऐसा जिनका पक्का निर्णय हो, ये ब्रह्मचारी है, जमीन पर बैठे निर्णय कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना। उस बालक को वैज्ञानिक बनना तुम निर्णय कर लो, मुझे वीतराग वैज्ञानिक बनना, अरहंत भगवान बनना है। अब भोले जैसे लोग सोच चुके हैं बस जीवन में मरना ही तो है अब। अरे बालक 25 साल की साधना में इतनी सीख पाया, ऐसा निर्णय करो मुझे भगवान बनना है। उत्साह शक्ति भरो, एक काल्लब्धि होनहार को वस्तु नहीं, जिसमें कार वही भवितव्यता है। भवितव्यता के नाम पर अपनी आत्मा को मत ठगो ठगिया, पुरुषार्थ करो, भवितव्यता आएगी। ओहो हो, ये आत्मा को ठगने वाले ठगिए बज्जू कुमार जी, बच के रहना। जिन निज की आत्मा को ठगने वाले होते ना, विषय कसाय छोड़ नहीं पाते, राग छोड़ नहीं पाते, स्त्रियां पुत्र को छोड़ नहीं पाते, धीरे से कहते हैं अभी काल लब्धि नहीं आई, आ जाएगी तो मैं साधु बन जाऊंगा। अरे मित्र, काल लब्धि के लिए तुम रो रहे, तुमने पुरुषार्थ कब किया? लेकिन ओ आजकल काल लब्धि को समझना बड़ा सरल हो गया है। आकाश गंगवाल, मित्र आपकी धर्म पत्नी कुकर में भोजन रखती है कि अग्नि पर भी कुकर को रखती है?